जय माता दी। दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है आज के डबल हेडर की दूसरी वीडियो लेकर, मतलब दूसरा मैच लेकर। और मैच किसके बीच है? ये वाला मैच है एसआरएच वर्सेस आपका आरसीबी के बीच। दोनों टीमें फिलहाल विनिंग स्प्री पर हैं। एसआरएच लगातार 4 मैच जीता, 2 मैच हारने के बाद। उसके साथ साथ आरसीबी टेबल टॉपर्स में है, गुजरात जायंट्स के साथ चिपकी हुई 10 पॉइंट्स के साथ। तो ये कहानी बयां करती है दोनों टीमों के कैंपेन की। क्या वरीज है दोनों टीमों के लिए? बड़े प्लेयर्स का ना चलना कितना बड़ा सरदर्द है? उसके साथ साथ ये पिच कैसी रहेगी? क्या प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकते हैं? स्मॉल लीग टीम क्या रहने वाली है और ग्रैंड लीग टीम क्या आपकी रहने वाली है? वी विल शेयर ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो, तो लास्ट तक देखें। और जैसा मैंने बताया कि मैं अभी भी मनाली में ही हूं, उसके मौसम का थोड़ा असर है मेरी आवाज पे, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वीडियो जरूर देखें, प्यार बांटते रहें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और पहली बात टेलीग्राम की। दोस्तों, आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल। कैसे ज्वाइन करना है? वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में लिंक पिन कर रखा है, क्लिक करें और अभी ज्वाइन कर लें। तरीका एक, ठीक है। तरीका दो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से कर लें। और तरीका तीन ये है कि टेलीग्राम ऐप पर जाएं, वहां सर्च करें क्रिकेटोलॉजी, जो हमारे चैनल का नाम है। जब आप ये सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारे क्रिकेटोलॉजी के नाम से चैनल मिलेंगे। उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा चैनल ज्वाइन करें। कंफ्यूजन दूर करने का तरीका ये है कि जो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लगभग इतने मेंबर हमारे चैनल पे है जो हमारा ओरिजिनल चैनल है। तो मेंबर मैच कर लें, लगभग में रहेंगे, डिस्क्रिप्शन मैच कर लें, यूजर नेम मैच कर लें और फिर उसके बाद ज्वाइन कर लें, आप आ जाएंगे टेलीग्राम के मेरे ओरिजिनल चैनल पर। चलिए बात करते हैं इस मैच की। प्लेइंग 11 की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्लेइंग 11 की कहानी ऐसी है कि मुझे नहीं लगता दोनों टीमें कोई भी बदलाव करेंगी। दोनों टीमें विनिंग स्प्री पर हैं, विनिंग कॉम्बो दोनों टीमें लेकर खेल रही हैं, तो कोई बदलाव दोनों टीमों में होगा नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि पिच कैसी रहेगी। ब्रेबोर्न पे मैच है, नाइट गेम है, लेकिन स्पिनर्स को हेल्प मिल सकती है। दूसरा, यहां जो पिछला मैच हुआ था डीसी वर्सेज दिल्ली वर्सेज पंजाब, वो मैच था, अक्षर को 2 विकेट मिले, कुलदीप को विकेट मिले, ललित यादव को विकेट मिले, मतलब ब्रेबोर्न पे स्पिनर्स के लिए है कुछ। अब है कुछ तो आरसीबी की बात करें तो देखो, आरसीबी के लिए तो वानिदु हसंगा बहुत बड़ा एडवांटेज है। उनके साथ मैक्सवेल और शहबाज अहमद के रूप में 2 और स्पिन बॉलर हैं जो फिरकी घुमा सकते हैं, मतलब वहां 8 ओवर स्पिन के देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ कोई पार्ट टाइमर नहीं है जो स्पिन कर सके। इधर अगर हम जाएं हैदराबाद में, तो हैदराबाद में आपको प्रॉपर स्पिनर की थोड़ी कमी लग रही होगी, क्योंकि जगदीशा सुचित हैं, वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी हुई है, वापस आए नहीं है। जगदीशा सुचित बॉलिंग करेंगे, ज्यादा स्पिन कराते नहीं है, ज्यादा टर्न वो कराते नहीं है, तो उतना शायद परचेज ना ले पाए। अभिषेक शर्मा को एज ए बॉलर केन विलियमसन ज्यादा यूज कर नहीं रहे हैं। अब्दुल समद प्लेइंग 11 में अभी है नहीं। तो एडन मार्कराम और एक प्लेयर हो सकते हैं जो ज्यादा क्रूशियल रहेंगे इस मैच में, जिसको वो आपका कर सकते हैं क्या, शामिल कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमें एडन मार्कराम से 2-3 ओवर देखने को मिल सकते हैं। सेम गोज टू मैक्सवेल एंड शहबाज अहमद, ठीक है। ये कहानी होगी पिच की। की प्लेयर्स की बात करूं तो आरसीबी के लिए फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, वानिदु हसरंगा, ये 4 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच के लिहाज से। बात करूं मैं दूसरे कैंप की एसआरएच के लिए, तो उनके लिए राहुल त्रिपाठी, केन विलियमसन के साथ आपका जगदीशा सुचित बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एडन मार्कराम इस मैच में इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। ये होगी स्मॉल लीग प्लेयर्स की बात। ग्रैंड लीग प्लेयर्स की मैं बात करूं, कौन से खिलाड़ी ग्रैंड लीग में आपके बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से जो आरसीबी की बात है, तो आरसीबी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किंग कोहली, मतलब विराट कोहली, अनुज रावत, शहबाज अहमद और मोहम्मद सिराज। तो दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं एसआरएच के कैंप से, तो भुवनेश्वर कुमार सरप्राइज एलिमेंट साबित हो सकते हैं, अभिषेक शर्मा बढ़िया साबित हो सकते हैं अगर उनसे बॉलिंग कराई जाती है, तो वो भी एक क्रूशियल फैक्टर इस मैच में हो सकते हैं। तो ये आपके कुछ प्लेयर थे ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के जो काफी क्रूशियल हो जाते हैं, आ जाते हैं स्मॉल लीग टीम पर, स्मॉल लीग टीम बनाते हैं। लेकिन पहले समझना जरूरी क्या है, पहले समझना जरूरी यह है कि स्मॉल लीग खेले कहां।
क्योंकि इन्वेस्ट करना है, टीम बनानी है, लेकिन कहां? आप ड्रीम इलेवन जैसी एप्स पे खेलते जा रहे हो, लॉस हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो प्रॉफिटेबल ऐप पर खेलें। प्रॉफिटेबल ऐप का नाम है रियल इलेवन। रियल इलेवन पर खेलें, ठीक है? रियल इलेवन पर खेलेंगे, फायदे क्या है? यूजर कंपटीशन कम, क्रेडिट वैल्यू कम प्लेयर्स की, कॉन्टेस्ट एंट्री कम, ठीक है? सेकेंड इनिंग्स खेल सकते हैं, सेशन खेल सकते हैं, मतलब लॉस कवर के भी मौके आपको मिलते रहते हैं एक ही मैच में, ठीक है? वीकली लीडर बोर्ड पे 1 लाख जीत सकते हैं, आईपीएल लीडर बोर्ड पे पूरा जीत सकते हैं महिंद्रा थार। इससे ज्यादा फायदे आपको क्या चाहिए बताइए? अभी जुड़े। वीडियो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, और मेरे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? डैशबोर्ड होता तो मैं आपको पक्का दिखाता कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। खैर, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसलिए मैं एक दूसरी ऐप जहां हम एक और जगह खेलते हैं, विजन इलेवन, कि वहां कितना इन्वेस्ट किया, कितना विन किया, वो आपकी स्क्रीन पर है, ये देखें, ठीक है? विजन इलेवन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं, खेल सकते हैं। वहां भी सेम ही फायदे हैं, लगभग सेम है दोनों ऐप, प्रॉफिटेबल है, स्प्लिट इन्वेस्टमेंट दोनों जगह कर सकते हैं। तो देखें कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया, लगभग 4200 रुपए, जीता कितना, लगभग 6500 रुपए। तो ये थी कहानी विजन इलेवन की, और वो भी ये मैच कब जीता पता है? 1.5 गुना अमाउंट भी हमने तब किया जब हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों इस मैच में 0 पे आउट हो गए थे। अब सोचिए कि अगर दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन चले होते तो कहां जाके रुकता ये प्रॉफिट मार्जिन, उन मैचेज में 4-5 गुना ये हो जाता है, ठीक है? अब स्मॉल लीग टीम दिखा देता हूं आपको ज्यादा वेट ना कराते हुए। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिनेश कार्तिक और निकोलस पूरन मेरे सामने दो ऑप्शन थे। कार्तिक बैटिंग करते हैं नंबर 5-6 पे और निकोलस पूरन करते हैं 4 पे, लेकिन मैं कार्तिक को पिक कर रहा हूं, कारण निकोलस पूरन आएंगे तो उनके सामने वानिदू हसरंगा भी आएंगे। स्पिन थोड़ा अगर असिस्ट कर गई पिच तो वानिदू हसरंगा के सामने निकोलस पूरन नहीं टिक पाएंगे। दिनेश कार्तिक फॉर्म ऑफ द लाइफ में है, मतलब कोई बॉलर आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कार्तिक मेरे रह गए विकेट कीपर। तीन बॉलिंग ऑप्शन केन विलियमसन, सॉरी बैटिंग ऑप्शन केन विलियमसन, फाफ डू प्लेसिस और राहुल त्रिपाठी, तीनों सॉलिड ऑप्शंस लेके जा रहा हूं मैं और फॉर्म में भी हैं। दो ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और एडन मार्करम, और दोनों मेरे मैक्सवेल कैप्टन और मार्करम वाइस कैप्टन, कारण अपनी अपनी टीम के लिए नंबर 4 बैटिंग कर रहे हैं दोनों, और दोनों से इस मैच में कम से कम 2-2 ओवर बॉलिंग भी आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। तो गेम कवर के लिहाज से मेरे दोनों वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर हो रहे हैं, इसीलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन में बना के जा रहा हूं। 5 बॉलिंग ऑप्शन लेके जा रहा हूं क्योंकि विकेट्स गिरेंगे, कम से कम 15 विकेट आप मान के चलिए। इसलिए जो सेजलवुड, हर्षल पटेल, वानिदू हसरंगा, नटराजन, उमरान मलिक, मतलब पूरी तरह से वही ऑप्शंस लेके जा रहा हूं जो गेम में, बैटिंग में, बॉलिंग में रहेंगे, जिनकी फॉर्म बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो ऐसे ऑप्शंस के साथ ही जा रहा हूं। कैप्टन वाइस कैप्टन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपकी स्मॉल लीग टीम हो गई, ठीक है? चलते हैं ग्रैंड लीग टीम नंबर 1। इसमें थोड़ा बदलाव करके हम वो टीम बनाते हैं, थोड़ा रिस्क फैक्टर उसका लो रहता है, इसीलिए उसको मैं बोलता हूं लो रिस्क ग्रैंड लीग टीम, ठीक है? देखें आप अपनी स्क्रीन पर, ये रही निकोलस पूरन विकेट कीपर, दिनेश कार्तिक को मैंने रिप्लेस कर दिया पूरन से, एक बदलाव। दूसरा बदलाव यह कि केन विलियमसन की जगह आए कैप्टन कोहली, किंग कोहली, कैप्टन कहने की आदत पड़ गई, किंग कोहली। फाफ डू प्लेसिस और राहुल त्रिपाठी को एजिटेटेड रखा, फाफ को कैप्टन और राहुल त्रिपाठी को वाइस कैप्टन, क्योंकि स्ट्रेट अवे आकर रन बना सकते हैं जब तक कि पिच थोड़ा टर्न वर्न करेगी। दोनों में क्षमता भी है कि बढ़िया स्पिन भी खेल सकते हैं, इसलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन। मैक्सवेल और एडन मार्करम दोनों को रखा, और इनके साथ एक और ऑलराउंडर रखा शहबाज अहमद। शहबाज अहमद जब जब मौका मिला है, जिस जिस मैच में मौका मिला है, बढ़िया करके गए। इस मैच में 2 बॉलिंग ऑप्शन भी मिल सकते हैं अहमद से, ये भी एक क्रूशियल फैक्टर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे ग्रैंड लीग में। 4 बॉलिंग ऑप्शन हेजलवुड, हसरंगा, नटराजन, तो वही जो स्मॉल लीग में थे, भुवनेश्वर कुमार को लाया उमरान मलिक के प्लेस पर। तो ये हो गई ग्रैंड लीग टीम नंबर आपकी 1, या कहिए लो रिस्क ग्रैंड लीग टीम, ठीक है? अब चलते हैं हाई रिस्क ग्रैंड लीग टीम की तरफ, क्या बदलाव है उसमें आपकी स्क्रीन पर आने वाले, ये देखें। दिनेश कार्तिक और निकोलस पूरन 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन हो गए आपके, ठीक है? उसके बाद 3 बैटिंग ऑप्शन केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा और सूर्यांश प्रभुदेसाई। एक बात समझिए, अभिषेक शर्मा से गेम कवर आपका हर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ओपन करते हैं, 1-2 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं इस मैच में। सूर्यांश प्रभुदेसाई को नंबर 5 भेजा था पिछले मैच में, मतलब बैटिंग इनकी भी आएगी और कैलिबर इस प्लेयर का भी है कि ये तेज रन बना सकता है।
तीन ऑलराउंडर जो हमारी टीम टू में थे वही रखे हमने, मैक्सवेल, एडन मार्करम और सहवाज अहमद। नीचे बॉलिंग में गए और जगदीश सुचित, हसरंगा और नटराजन को मैं लेकर आया। आप देखिए, मैंने इस टीम को बनाते समय ज्यादा से ज्यादा स्पिन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, इसीलिए अभिषेक शर्मा, सहवाज अहमद, मार्करम, सुचित, नटराजन, मैक्सवेल जितने ऑप्शंस बनते हैं वो सब इस टीम का हिस्सा है। कैप्टन वानिदु हसरंगा, क्योंकि जब विकेट लेते हैं तो तीन चार से पहले थमते नहीं है, और वाइस कैप्टन नटराजन, क्योंकि लगातार विकेट्स ले रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिच स्पिन कर रही है या पेस कर रही है, इनकी जो यॉर्कर है वो हर गति हर पिच पे जाती है और स्टंप उखाड़ती है। तो ये आपकी ग्रैंड लीग होगी हाई रिस्क टीम नंबर टू। ठीक है, वीडियो में मैच से रिलेटेड हमारी बात खत्म होती है, बाकी हमारी मुलाकात तो हर दिन होती रहती है, होती रहेगी। आज के पहले मैच की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, देखें जरूर। वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल जरूर करके जाएं, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा के जाएं। जाते जाते एक बात और करूंगा, अगर आपको बनना है बढ़िया फैंटेसी प्लेयर तो कौन सी वो पांच बातें हैं जो ग्रैंड लीग में आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसका एक पूरा वीडियो चैनल पर है, जरूर देखें। ठीक, दूसरी बात एक और कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना सीखना है कि किस तरीके से पैसे को लगाया जाए कि प्रॉफिट हो तो ज्यादा से ज्यादा हो और लॉस हो तो कम से कम हो, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, देख सकते हैं आप जाकर मेरे चैनल पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, मुलाकात होती रहेगी, अभी तो एक दो दिन और मनाली से मुलाकात होगी, फिर पहुंचेंगे गाजियाबाद। फिलहाल टाटा बाय बाय, जय माता दी।